25 दिनों के चांद के सफर के बाद नासा का आर्टेमिस 1 अंतरिक्ष यान सही सलामत धरती पर वापस लौट आया है। नासा के मून मिशन की एक बड़ी कामयाबी है। आर्टेमिस 1 अब वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष की नई राह दिखा रहा है। इसी राह पर चलकर आने वाले वक्त में इंसान एक बार फिर चांद पर कदम रखेगा। अनंत अंतरिक्ष में 25 दिनों का लंबा सफर, 23 लाख किलोमीटर की हैरतअंगेज यात्रा और सुरक्षित वापसी के साथ एक नए युग का आगाज। 3 पैराशूट के साथ जब आर्टेमिस 1 का ओरियन कैप्सूल समंदर की लहरों पर उतरा तो ये मौका सिर्फ नासा के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ऐतिहासिक बन गया। आर्टेमिस की सुरक्षित वापसी वैज्ञानिकों को चांद पर फतह हासिल करने की राह दिखा रही है। नासा ने 53 साल बाद अपने मून मिशन आर्टेमिस के जरिए इंसानों को दोबारा चांद पर भेजने की योजना बनाई है। 15 नवंबर को आर्टेमिस ने चांद की तरफ अपने सफर का आगाज किया। आर्टेमिस 1 में कोई एस्ट्रोनॉट नहीं था लेकिन आने वाले वक्त में एस्ट्रोनॉट्स को चांद की सतह पर पहुंचाने के लिए ये मिशन बेहद अहम था। आर्टेमिस 1 ने चांद के चक्कर लगाए और कुछ अहम जानकारियां जुटाने के बाद वो धरती की तरफ रवाना हुआ। रविवार रात करीब 11:10 पर आर्टेमिस का ओरियन कैप्सूल मैक्सिको के ग्वाडालू द्वीप के पास प्रशांत महासागर में उतरा। ओरियन कैप्सूल की सुरक्षित वापसी नासा के वैज्ञानिकों के लिए राहत और कामयाबी का पैगाम थी। इस कैप्सूल को सुरक्षित लौटाना ही वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि इसी कैप्सूल में भविष्य में अंतरिक्ष यात्री बैठेंगे। वापसी के सफर में ओरियन कैप्सूल को वायुमंडल में आते ही हजारों डिग्री के तापमान का सामना करना पड़ता है। जरा सी तकनीकी खामी चंद सेकंड में ओरियन को झुलसा सकती थी। वायुमंडल में ओरियन की सुरक्षित एंट्री के लिए नासा ने स्किप एंट्री तकनीक का इस्तेमाल किया। इसमें अलग अलग चरणों में ओरियन ने वापसी का सफर पूरा किया। आखिरी चरण में ओरियन पैराशूट की मदद से समंदर की लहरों पर आसानी से लैंड कर गया। This is a great day, not only for America, but it's a great day for all of our international partners. That's a difference from 50 years ago. 50 years ago, we went as a country, as a government. Today, we go with not only international partners, but also commercial partners. And so, it is the beginning of the new beginning, and that is to explore the heavens. आर्टेमिस 1 की इस यात्रा का सबसे बड़ा मकसद ये जानना था कि चांद का सफर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए कितना सुरक्षित है। यही वजह है कि नासा ने अपने मून मिशन को आर्टेमिस 1, 2 और 3 के जरिए 3 स्टेज में पूरा करने की योजना बनाई है। आर्टेमिस 1 को नासा एक टेस्ट फ्लाइट के तौर पर देख रहा है। इस मिशन के लिए नासा ने अपने नए ताकतवर स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS मेगा रॉकेट का इस्तेमाल किया था। आर्टेमिस 1 की सफल यात्रा के साथ ही ये भी साबित हो गया कि SLS मेगा रॉकेट चांद के सफर के लिए तैयार है। नासा की योजना आर्टेमिस 3 को चांद के साउथ पोल पर उतारने की है। यहां अंतरिक्ष यात्री चांद पर पानी और बर्फ की मौजूदगी पर शोध करेंगे। आर्टेमिस 1 का कामयाब सफर वैज्ञानिकों के लिए अंतरिक्ष में नई राह दिखा रहा है। इस राह पर चलकर ही भविष्य में एक बार फिर इंसानों के कदम चांद पर पड़ेंगे। अगर ये मिशन पूरी तरह कामयाब रहा तो ये विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चीन की साजिशों को जवाब देने के लिए हिंदुस्तान अब एक और बड़ा कदम उठा सकता है। जल्द ही LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे ड्रोन्स की तैनाती हो सकती है। इसके लिए पूर्वी लद्दाख को चुने जाने की बात कही जा रही है। हालांकि ये तैनाती और जगहों पे भी हो सकती है लेकिन जिन ड्रोन्स की तैनाती की जानी है वो अपने आप में कई खूबियां समेटे हैं। देखिए आप ही। चालबाज चीन को उसी के अंदाज में जवाब देने की तैयारी। LAC पर आसमान से होगी सबसे सटीक निगहबानी। चीन की चतुराई और बढ़ते अतिक्रमण पर हिंदुस्तान का तकनीकी पहरा। हवा से ही हिंदुस्तान रखेगा ड्रैगन की सेना पर पैनी नजर। हिंदुस्तान के खिलाफ चीन की साजिशों का सिरा बॉर्डर पर आकर खत्म होता है।
यही वजह है कि चीन की चाल को मात देने के लिए हिंदुस्तान हर उस रणनीति पर काम कर रहा है जो उसे सबक दे सके और याद दिला सके कि 50 बरस के सफर में हिंदुस्तान ने हर मोर्चे पर दुश्मनों को परास्त करने की काबिलियत हासिल कर ली है। भारत इसके लिए हर वो मुमकिन कदम उठा रहा है जो चीन को हिंदुस्तान की ताकत का एहसास करा सके। यही वजह कि हिंदुस्तान अब एलएसी पर एडवांस ड्रोन्स तैनात करने की तैयारी कर रहा है। इन ड्रोन्स की तैनाती पूर्वी लद्दाख के इलाके में की जाने वाली है। इन ड्रोन्स की खूबियों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये दो दिन तक बॉर्डर पर होने वाली एक्टिविटीज पर नजर रख सकेंगे। एक अकेला ड्रोन ही बड़े इलाके को कवर करने में सक्षम है। इससे ये चीन की हर हरकत पर नजर रखने में कारगर होंगे। खास बात यह है कि ड्रोन सिर्फ पूर्वी लद्दाख के इलाके में ही नहीं बल्कि सिक्किम में भी तैनात किए जाएंगे। ये ड्रोन्स निगरानी के साथ साथ हमला करने में भी सक्षम है। इन्हें अपग्रेड करके घातक हमलों के लिए तैयार किया जा सकता है। वैसे ड्रोन्स को लेकर हिंदुस्तान लगातार अपनी रणनीति में बदलाव कर रहा है। इन्हें आधुनिक बनाकर अपने सुरक्षा घेरे को मजबूत करने में जुटा है। इसराइल से मिले हेरॉन ड्रोन्स को भी अपग्रेड कर इनसे मिसाइल अटैक की तैयारी की जा रही है, वो भी लंबी दूरी के मिसाइल अटैक की। हालांकि इसके लिए अभी कोई टाइमलाइन तय नहीं की गई है। जाहिर है अपनी तैयारियों से हिंदुस्तान एक ऐसा सुरक्षा चक्रव्यूह तैयार कर रहा है जिसे भेदने की हिमाकत कोई न कर सके, फिर चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर चीन। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात उस टनल की जिसके तोहफा मिलने के बाद मध्य प्रदेश में विकास की गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी और देश की सबसे चौड़ी 6 लेन टनल का लोकार्पण हो चुका है। अब ये टनल अपनी इंजीनियरिंग और तमाम खासियत के लिए चर्चा में है। हाईवे पर हवा से बात करती ये गाड़ियां भारत के तरक्की का पैमाना है जो ये बता रहा है कि हम किसी से कम नहीं। और इसी हाईवे पर बनी ये टनल देश की नायाब इंजीनियरिंग का नमूना है। गुड सीधी मार्ग पर बनी ये मध्य प्रदेश की सबसे लंबी और देश की सबसे चौड़ी 6 लेन वाली टनल है। मैंने पहले कभी कहा होगा तो मजाक मानते होंगे, मैंने कहा था कि भोपाल और इंदौर पहले ज्यादा पैसा जाता था, बिंद में कम आता था। मैंने कहा था कि वहाँ 1 रुपया जाएगा तो यहाँ 1.25 रुपया आएगा। रीवा जिले के गुड़ इलाके की मोहनिया घाटी को बीच से काटकर दो सुरंगें बनाई गई हैं। चुरहट्टा बाईपास में 3-3 लेन की 2 टनल बनाई गई हैं, जिसमें 3 लेन आने के लिए और 3 लेन जाने के लिए है। दोनों सुरंगों को आपस में जोड़ने के लिए अंदर 7 जगहों पर अंडरपास बनाए गए हैं। इस टनल के बन जाने से रीवा सीधी के बीच 7 किलोमीटर की दूरी घट गई है। पहले मोहनिया घाटी को पार करने के लिए 30 से 35 मिनट लगते थे, लेकिन अब ये सफर 3 से 5 मिनट में ही पूरा हो जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि देश के इतिहास की एक महत्वपूर्ण टनल का आज उद्घाटन हो रहा है। करीब 2500 करोड़ रुपए की लागत से ये काम पूरा हुआ है। जहाँ 35 से 40 मिनट लगते थे वहाँ 5 मिनट में आपका प्रवास होगा। और ये जो चुरहट टनल और बाईपास का भी आज लोकार्पण हो रहा है। इस सुरंग के अंदर 46 पंखे लगाए गए हैं। सुरक्षा के लिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरे, फायर सिस्टम, कंट्रोल रूम और अनाउंसमेंट सिस्टम भी लगाए गए हैं। टनल के अंदर बारिश का पानी न भरे इसलिए दोनों तरफ नालियां बनाई गई हैं। खास बात यह है कि इस टनल का काम तय वक्त से 6 महीने पहले ही पूरा कर लिया गया। इस टनल के बनने से वक्त की बचत तो होगी ही, साथ ही उम्मीद की जा रही है कि ये इस इलाके में आर्थिक विकास के नए रास्ते खोलेगा। जो अब सिर्फ 5 मिनट में पूरी होगी इस टनल की मान्यता। रविश पाल सिंह, भोपाल, गुड न्यूज टुडे। और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हर शहर की एक अपनी खासियत और अपनी अपनी संस्कृति होती है। यह अनोखापन ही उस शहर की पहचान है। इसी अनोखेपन को बरकरार रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पहल की है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश में हर शहर और कस्बे का जन्मदिन मनाने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश के शहरों की खूबियां लोगों के बीच चर्चा का विषय बनेगी। हाथरस की हींग हो या हापुड़ के पापड़, सभी का जिक्र लोगों को सुनने को मिलेगा। ताज नगरी की बात हो या फिर अलीगढ़ के तालों पर काज, ऐसे कई किस्से लोगों के जुबान पर होंगे।
क्योंकि योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्यों के शहरों और कस्बों का बकायदा जन्मदिन मनाने का निर्देश दिया है, जिसे नगर निर्माण दिवस कहा जाएगा। यानी जिस दिन इन शहरों का निर्माण किया गया उस दिन को सेलिब्रेट किया जाएगा, उस शहर की खूबियों और संस्कृति का जश्न मनाया जाएगा। इस दिन कई भव्य आयोजन होंगे। शहरों की ऐतिहासिक जगहों, पार्कों और दूसरी महत्वपूर्ण जगहों पर झंडे फहराए जाएंगे। नगर निर्माण दिवस यानी शहर का जन्मदिन मनाने के पीछे योगी सरकार की मंशा शहर की संस्कृति और सभ्यता के बारे में लोगों को जागरूक करना है, ताकि लोगों के दिलों में अपने शहर के लिए गर्व की भावना जागे। इस मौके पर शहरों के लोक कलाकारों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, पूर्व सैनिकों, खिलाड़ियों और बुद्धिजीवियों को भी न्योता दिया जाएगा। इन कार्यक्रमों में संबंधित शहरों के उद्योग की भी झलक देखने को मिलेगी। साथ ही पर्यावरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने, हरेक शहर को साफ सुंदर बनाने का भी एक्शन प्लान तैयार किया गया है। यूपी में तमाम शहरों के साथ ही रामनगरी के लिए भी एक विशेष योजना बनाई गई है। इसके तहत अयोध्या का 500 साल का इतिहास संजोया जाएगा। इस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जाएगी, जिसके जरिए राम मंदिर आंदोलन और निर्माण की यात्रा को भी दिखाया जाएगा। ये राम जन्मभूमि का 500 वर्षों का संघर्ष और अभी जो निर्माण का काल चल रहा है, वो सारे तथ्यात्मक विषय फिल्म के रूप में बने, ताकि आने वाली पीढ़ी उसे प्रेरणा ले, वो समझ सके। इसलिए ट्रस्ट में एक मंथन चल रहा था कि राम जन्मभूमि पर एक फिल्म बने और हम उसको 500 वर्षों के इतिहास को सूत्रबद्ध जोड़े, और उसके लिए देश के बड़े जो कलाकार हैं, प्रतिष्ठित निदेशक हैं, प्रतिष्ठित फिल्मकार हैं, जो पटकथा लेखक हैं, उन सबों से संपर्क किया जाए और उनसे सहमति ली जाए। इस फिल्म में श्रीराम के जन्म के बाद से अयोध्या के इतिहास को सिलसिलेवार तरीके से दिखाया जाएगा। इन तमाम कोशिशों के तहत यूपी सरकार प्रदेश की सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत के अहमियत दुनिया को बताने जा रही है। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरों के इस सफर में अब बात काशी की। महादेव के धाम के पुनर्निर्माण के रूप में काशी की भव्यता बढ़ाने वाले श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के लोकार्पण की कल पहली वर्षगांठ है। इसे यादगार बनाने के लिए मंदिर प्रशासन की ओर से खास तैयारियां की गई हैं। इस मौके पर एक तरफ परिसर में वेद मंत्र गूंजेंगे, तो वहीं दूसरी ओर काशी की शाम भजन से रोशन होगी। इस लम्हे का हिस्सा बनने के लिए देश और दुनिया से बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचने शुरू हो गए हैं। वैसे तो काशी पर बाबा विश्वनाथ की कृपा अनंत है, अपार है। कहते हैं काशी ही शिव है और शिव ही काशी है। काशी में जो जीवंतता है वो आशीर्वाद बनकर भक्तों पर बरसती है। काशी का ये जीवत्व जिस पहचान से जुड़ता है वो है बाबा विश्वनाथ का ये धाम। बाबा का ये धाम काशी की आत्मा है। एक साल पहले काशी के तीर्थ की काया बदली थी और इस कॉरिडोर ने बाबा के धाम को दिव्य और भव्य विस्तार दिया था। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का यह भव्य रूप अब काशी की नई पहचान है। आध्यात्मिक चेतना का तीर्थ एक साल बाद अपनी दिव्य पहचान के साथ शिव की शक्ति और शिव की साधना के नए अध्याय के साथ दुनिया के सामने है। करीब एक साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को समर्पित किया था। आज एक साल बाद ये कॉरिडोर काशी की भव्यता की नई पहचान है। 13 दिसंबर की वह तारीख होगी जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर या विश्वनाथ धाम में पूरे दिन भव्य आयोजन होते रहेंगे। शुरुआत इसकी काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर में सुबह के वक्त वेद ऋचाओं से होगी, फिर पूरे दिन यहां पर यज्ञ हवन और पूजन का कार्य होगा। उसके अलावा जो भी यहां पर संत महात्मा और धर्म के ज्ञाता आएंगे उनकी गोष्ठियां भी चलेंगी, और फिर रात के वक्त मशहूर पार्श्व गायिका अनुराधा पौडवाल का भजन संध्या का भी आयोजन किया जाएगा। एक साल बाद महादेव के धाम के पुनर्निर्माण को भव्य स्वरूप में मनाने की तैयारी की जा रही है। इस अवसर पर काशीवासियों और महादेव के भक्तों को भक्ति और संगीत की सौगात मिलेगी। एक तरफ परिसर में वेद मंत्र गूंजेंगे तो दूसरी ओर काशी की शाम भजन से रोशन होगी। पिछले साल 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने काशी कॉरिडोर का लोकार्पण किया था। ऐसे में काशी विश्वनाथ धाम प्रशासन सुबह से लेकर रात तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करेगा।
इस वार्षिक समारोह बाबा विश्वनाथ धाम कॉरिडोर को मनाने के लिए पूरी काशी तहे दिल से स्वागत के लिए खड़ी है। पूरे काशीवासी इसको भव्यता और दिव्यता के साथ मनाने जा रहे हैं, जिससे काशी की जनता के अंदर बहुत बड़ा उत्साह है और पूरे उत्साह के साथ भगवान शिव की बरात, शोभा यात्रा, तमाम विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा संगोष्ठियों का भी आयोजन परिसर धाम में किया जाएगा। इस कॉरिडोर के बन जाने से न केवल बाबा के तीर्थ को नई पहचान मिली है, बल्कि यहाँ दर्शन का आनंद भी कई गुना बढ़ गया है। पहले भक्तों को तंगलियों से होकर बाबा के धाम तक पहुंचना होता था, लेकिन कॉरिडोर बन जाने के बाद बाबा के धाम का रास्ता भव्य और दिव्य नजर आने लगा है। काशी में श्रद्धालु और पर्यटकों की संख्या बढ़ने में भी इस कॉरिडोर ने अपनी बड़ी भूमिका निभाई है। ऐसे में कॉरिडोर के एक साल की यात्रा पूरे होने का उत्सव भव्य होने वाला है। शिल्पी सिंह के साथ रोशन जायसवाल, गुड न्यूज टुडे, वाराणसी। वायरल वीडियोस के बाद अब रुक करते हैं दूसरी खबरों का। दिल्ली एयरपोर्ट पर लगातार बढ़ रही भीड़ की शिकायतें बढ़ने के बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 का अचानक मुआयना किया। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 में लोग भारी भीड़ होने से परेशान है। इसी को लेकर अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय एक्शन में आ गया है। सिंधिया ने एयरपोर्ट पर मुसाफिरों और अधिकारियों से बातचीत की और जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए। अचानक उनके एयरपोर्ट पहुंचने से सभी लोग हैरान रह गए। पिछले दिनों नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस सिलसिले में हाई लेवल बैठक बुलाई थी। एयरपोर्ट का मुआयना करने के बाद उन्होंने बताया कि जिस गेट पे भीड़ ज्यादा है वहां पर नए सिरे से पैसेंजर के मूवमेंट को रेगुलेट करने का निर्देश दिया गया है। हर गेट पर विशेष अधिकारी तैनात करने का निर्देश है। सुरक्षा के लिए 13 लाइन से बढ़ाकर 16 लाइन करने का आज निर्देश दिया गया है। अगले 10 से 15 दिन में जो प्रेशर है एयरपोर्ट व्यवस्था पर वो कम होना चाहिए। उन्होंने कहा एक नई सर्विस डिलीवरी की व्यवस्था भी शुरू करनी होगी, क्योंकि कोरोना के बाद यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। प्राकृतिक सौंदर्य के खजाने को भला कौन देखना नहीं चाहेगा। पहाड़ों और झीलों की खूबसूरत वादियों की सैर भला कौन नहीं करना चाहेगा। हम बात कर रहे हैं कश्मीर की, जहां इन दिनों धुंध ने अपना कब्जा जमा रखा है। जाहिर है इसका असर वहां के पर्यटन पर भी पड़ा। धुंध में लिपटी ये घाटी की तस्वीरें हैं। सर्द मौसम का पर्यटक भी उठा रहे लुत्फ। इस खूबसूरत वादी को कोहरे ने जैसे अपनी आगोश में लपेट रखा है। जिधर नजर दौड़ा ये धुंध ही धुंध। बहुत ज्यादा ठंड में अमूमन डल झील जम जाती है, लेकिन अभी यहाँ पानी में शिकारे की चहलकदमी बदस्तूर जारी है। मौसम का मूड भले ही बदला हो, लेकिन यहाँ का आकर्षण ऐसा है कि वो पर्यटकों को अपनी ओर खींच ही लेता है। इस धुंध और कड़ाके की ठंड में भी पर्यटक यहाँ खूबसूरत नजारों के दीदार का लुत्फ उठाते नजर आते हैं। तो करीबन मॉर्निंग से ही फॉग स्टार्ट हो जाती है, धुंधलापन रहता है और बहुत एंजॉय करते हैं हम इस वॉक के लिए, और ठंडी भी करीबन बहुत ज्यादा है। मेरा फर्स्ट टाइम है कश्मीर में, तो मैंने बहुत एंजॉय किया, स्पेशली फॉर द फूड्स एंड ऑल। हालांकि ठंड और धुंध का असर पर्यटन और कारोबार पर भी पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर्यटन के भरोसे रोजी रोटी कमाने वाले चाहते हैं कि यहाँ जल्द से जल्द बर्फबारी हो जाए, ताकि मौसम साफ हो और ज्यादा से ज्यादा पर्यटक यहाँ पहुँचे। तो यहाँ पर पूरी सर्दी से कहर मचा हुआ है और सुबह से एकदम फॉग हर जगह फैला हुआ है, और आप देख सकते हो मैंने भी टोपी लगा रखी है, मफलर पहना रखा है, क्योंकि सर्दी की वजह से। बस हम यही चाहते हैं कि बस दुआ यही है कि बस यहाँ पर थोड़ी सी बर्फबारी हो जाए, ताकि ये क्लाइमेट एकदम से साफ हो जाए और यहाँ पर एकदम सा माहौल ठीक हो जाएगा, सर्दी से हम थोड़ा सा छुटकारा पाए यहाँ पर। तो बस बाकी तो टूरिज्म आता रहता है यहाँ पर, और जितना अगर यहाँ पर क्लाइमेट ठीक हो जाएगा, बर्फ पड़ेगी तो और टूरिज्म बढ़ेगा यहाँ पर। यहाँ की वादियाँ इतनी खूबसूरत हैं कि लोग खुद यहाँ का रुख करने को बेताब रहते हैं। साथ ही सरकारी स्तर पर भी यहाँ कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ताकि पर्यटकों से ये वादियाँ गुलजार रहें और यहाँ रहने वाले भी खुशहाल रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको आविष्कारों के अनोखे मेले में लिए चलते हैं, जो इस वक्त आईआईटी दिल्ली में चल रहा है। कैंपस में इस वक्त इंडस्ट्री डे मनाया जा रहा है, जहां छात्रों ने बायोगैस से चलने वाले टू व्हीलर से लेकर सोलर पावर से चार्ज होने वाला चार्जर बनाया है। कैसी है आईआईटी दिल्ली में आविष्कारियों की ये प्रयोगशाला,
चलिए इसकी खूबियां आपको दिखाते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल आपने बहुत देखे, इलेक्ट्रिक टू व्हीकल बहुत देखे, लेकिन अब आपको एक ऐसा टू व्हीलर दिखाते हैं जो बायोगैस पर चल रहा है। आईआईटी दिल्ली में हम मौजूद हैं और ये एक टू व्हीलर है जो कि बायोगैस पर चल रहा है। बकायदा इसमें दो सिलेंडर लगे हुए हैं, इनको आप देख पा रहे हैं। इसका नाम रखा गया है कंप्रेस्ड बायोगैस ऑपरेटेड टू व्हीलर। इसको बनाने वाले छात्र और उनको ट्रेन करने वाले गुरु दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अगर आपसे हम पूछें तो किस तरह का ये एक्सपेरिमेंट है आपका और किस तरह से काम करता है? एक्चुअली ये टू व्हीलर हम लोगों ने परचेस किया था 2020 में, जब BS6 सेगमेंट के स्कूटर्स लॉन्च हुए थे इंडिया में। उसके बाद ये एक प्लान था कि मतलब क्यों ना टू व्हीलर इज ऑल्सो ऑपरेटिंग ओनली ऑन गैसोलीन, और अभी जो इमर्जिंग मार्केट जो इलेक्ट्रिक का आ रहा है उसका, बट वी हैव सम इंटरमीडिएट सॉल्यूशन ऑल्सो। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि इसको रेट्रोफिट करवाया, रेट्रोफिट प्रोसेस किया है पूरा टीम के साथ, और इससे हम लोगों ने बायोफ्यूल्स पर ऑपरेटेड है। अब ये लिक्विड पर भी ऑपरेट होता है और गैशियस फ्यूल पर भी ऑपरेट होता है। इससे हम लोगों ने कुछ फील्ड ट्रायल्स कंडक्ट करे हैं इसके एक्सपेरिमेंटली। अब वो फील्ड ट्रायल के दौरान ये पता चला है कि इस गाड़ी को हम लोग 125 किलोमीटर के माइलेज पर चला सकते हैं व्हेन वी आर ऑपरेटिंग ऑन अ बायोगैस फ्यूल। सर आपने भी बहुत लंबा इसको लेकर प्रोसेस किया, सब कुछ देखा आपने, अभी तक मार्केट में इस तरह की चीजें आ क्यों नहीं पाई? और अभी जो CNG का ऑप्शन है, EV आ गई है, पेट्रोल है, उनसे ये और कितना ज्यादा किफायती हो? अब देखिए कि जब भारत आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ना है, हमको पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल जो हम परचेज कर रहे हैं और विदेश में डॉलर्स में खरीदते हैं, तो 18 लाख करोड़ का लगभग एक साल का हमका आयात है, उसको अगर हमको दूर करना है, हमको आत्मनिर्भर बनना है, तो हमको अपने संसाधनों से ही गैस बनानी पड़ेगी। और जो भी CNG है उसकी जगह पे जो पेट्रोल है, डीजल से जो व्हीकल चलते हैं उनकी जगह पे हमको बायोगैस और बायोगैस को प्योरीफाई करके उसको व्हीकल में चलाना पड़ेगा। मौजूदा वक्त में इलेक्ट्रिक व्हीकल की बहुत बात हो रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जर की बहुत बात हो रही है, लेकिन हम आपको एक ऐसी चीज दिखा रहे हैं, ये है सोलर पावर इलेक्ट्रिक चार्जर। मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करना जो चार्जर है वो सोलर पावर से चार्ज होगा। हमारे साथ शुभेंदु जी हैं जिन्होंने इस पूरे प्रोडक्ट को तैयार कराया है, बेहद यूनिक प्रोडक्ट है ये। सर किस तरह से ये काम करता है, कैसे इसको आपने बनाया, कितने दिन लगे? तो ये आपका सोलर पावर्ड EV चार्जर है। एज ऑफ नाउ दिस इज फॉर द टू व्हीलर ओनली। तो इसमें आपका टू व्हीलर अगर वो 1 किलोवाट तक अगर उसको करंट कैपेसिटी है तो उतना वो चार्ज हो सकते हैं। हम फर्दर उसको और भी मॉडिफाई कर रहे हैं और जो एडवांस्ड टू व्हीलर्स आ रहे हैं उसमें भी वो चार्ज हो सकता है इन फ्यूचर। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इन फ्यूचर। अभी अब दैट बट वी विल ऑल्सो वर्क ऑन द बेसिक फोर व्हीलर्स एंड दिस इज समथिंग विच इज वेरी यूजफुल फॉर द हिल एरियाज और फॉर द रूरल एरियाज, जहाँ पे आपका पावर कट बहुत ज्यादा होता है, जहाँ पे लोड शेडिंग फॉर लॉन्गर आवर्स होता है, उसमें ये बहुत हेल्पफुल होएगा। प्लस वहाँ पे वो ग्रीन एनर्जी भी होएगा क्योंकि वहाँ पे आपको कोई फॉसिल फ्यूल नहीं लग रहा है, वहाँ पे कोई पेट्रोल डीजल आप कुछ यूज नहीं कर रहे हो, एट द सेम टाइम आपको व्हीकल को चला रहे हो। अब बात दर्शकों के प्यार और भरोसे पे मोहर लगाने वाली एक शानदार खबर की करते हैं। आईटा अवार्ड्स में एक बार फिर इंडिया टुडे ग्रुप का डंका बजा है। आईटा अवार्ड्स ने आज तक तो सर्वश्रेष्ठ के तमगे से बहुत ही सर्वश्रेष्ठ तमगे से नवाजा गया है, लेकिन तमाम न्यूज चैनल्स को पछाड़कर आज तक को नंबर एक मीडिया समूह का अवार्ड मिला। इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन कलीपुरी ने गोल्डन लॉरल मीडिया कॉन्ग्लोमरेट अवार्ड ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज तक एक चैनल नहीं बल्कि अब एक आंदोलन बन गया है। आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज कलीपुरी। ये सम्मान है भरोसे का, विश्वास का। IT अवार्ड 2022 में आज तक को मिला सबसे बड़ा सम्मान। आज तक को नंबर वन मीडिया समूह के गोल्डन लॉरल अवार्ड से नवाजा गया। क्योंकि आज तक एक न्यूज चैनल नहीं है, वो एक मूवमेंट है, वो अभी ब्रॉडकास्ट में नहीं है सिर्फ, वो है वेब पे, मोबाइल पे, ऐप पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और कू पे, कोई भी नया प्लेटफॉर्म हो। और जैसे आपने मेंशन करा यूट्यूब पे, जिसपे हम 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स से ज्यादा है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा न्यूज चैनल है। सालों साल दर्शकों का भरोसा कायम रखना कोई आसान काम नहीं। आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप इस जिम्मेदारी को बहुत सहजता से
संपूर्णता से निभाता आया है। आज तक का मतलब है नामुमकिन को मुमकिन करना, और ये है कि एक न्यूज चैनल को एक मीडिया कंग्लोमरेट का अवार्ड मिला है। ये है नामुमकिन को मुमकिन करना, और ये कैसे होता है? क्योंकि आज तक की पूरी टीम एक फैमिली के जैसे काम करती है, अपने न्यूज चैनल को अपने फैमिली का सदस्य मानती है। सो थैंक यू आज तक टीम, और आज तक की सबसे बड़ी ताकत आप हमारे दर्शक, थैंक यू वेरी मच। इसी जज्बे की बदौलत आज तक दर्शकों की पहली पसंद बना हुआ है। अब देश ही नहीं, दुनिया भी कह रही है खबर मतलब आज तक। पहुंच गए हैं लंच टाइम के इस आखिरी पड़ाव में, जहां हम आपको दिखाते हैं किसी महान व्यक्ति के विचार। तो डाल लेते हैं नजर आज के विचार पर। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के सपने मत देखो, अपना ध्यान वर्तमान पर केंद्रित करो। उम्मीद है खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिल गई होंगी। आज के लिए लंच टाइम में बस इतना ही, लेकिन आप जीएनटी पर जुड़े रहिए, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।